हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड। और आज से हम नीट की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली फिजिक्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको यहां पे एक ही क्वेश्चन की वीडियो बना के दूंगा, जिसको आपको बड़े अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे जो नीट के अंदर आते हैं, नीट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, यहां तक कि जेईई मेंस में भी पूछे जा सकते, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू भाई कोरोना काल के हिसाब से इजी क्वेश्चन ही बनेंगे, पर थोड़े से ट्रिकी होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम आज से एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और लेट्स सी इन फ्यूचर एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड पे जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से फिजिक्स के अंदर किसने, जो फिजिक्स का नीट का एग्जाम होगा उसमें फिजिक्स के अंदर कितने क्वेश्चन आ पाते हैं उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके सामने द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इससे पहले एक और बात सुनिए, मैं आपको यह भी बताऊंगा एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, आपको निकालना कैसे है। अब स्टार्ट कीजिए टाइम, देखते कितने टाइम में क्वेश्चन निकल जाता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट एट ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म इज 45 डिग्री। कंसंट्रेट होके पढ़िएगा, मुझे पता चल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है भाई, कितना दे रहा है 45 डिग्री, ठीक है। प्रिज्म के ऊपर, प्रिज्म की बात चल रही है, ठीक है। द एंगल ऑफ प्रिज्म, मुझे पता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए होता है, कितना दे रखा है 60 डिग्री, ओके। इफ रे सफर्स मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, अब प्रिज्म से रे क्या हो रही है, मिनिमम डेविएट। अब मुझे तुरंत वो जो प्रिज्म का कंसेप्ट है मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए, आ गया भाई, मुझे तो यही पता है प्रिज्म के अंदर मिनिमम डेविएशन हो तो डेल्टा मिनिमम बराबर होता है आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। म्यू किसके बराबर होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू बाई में साइन ऑफ ए बाई टू, ठीक है। मेरे पास प्रिज्म की स्ट्रक्चर बन जाती है तुरंत, टिक 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 टिक। देखिए ये रे ऑफ लाइट इसके ये दो, ये और ये क्या होती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये दोनों क्या है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तुरंत ये भी बन गया। मैंने इंसिडेंट लाइट यहां पर करवाया, नॉर्मल खींचा, टक 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 टक, यहाँ पे एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। ये लाइट आगे पास करेगी तो क्या बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, फिर ये फर्दर यहाँ पे नॉर्मल को टक्कर है, टक 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 टक, ये जा रहा है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस ई, ये एंगल ऑफ आर। तो जैसे ही इमेज बनेगी मैंने बना दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरा आर टू, मुझे ये पता है कि मिनिमम डेविएशन हो तो ये आर और ये आर क्या होता है बराबर होता है भाई। इससे पहले डायरेक्ट निकाल दूंगा, इतनी इमेज तो मन ही मन में बनेगी, ठीक है, जो आपको बना के दिखा रहा हूं। तुरंत आई लैब में क्या पूछा है उन्होंने, आई दे रखा है आई का डबल, ये जब आप मिनिमम डेविएशन होता है आई प्लस ई क्या हो जाएगा दोनों से, टू आई कितना 90 माइनस 60 ए कितना आ गया 30, मिनिमम डेविएशन कितना आ चुका है 30, फिनिश। फिर मुझे तो पता है सीधा क्या, बाहर का एनवायरमेंट अंदर प्रिज्म, तो बाहर का एनवायरमेंट वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है साइन, साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू म्यू किसका प्रिज्म का इंटू साइन ऑफ आर, आर किसके बराबर होगा ए बाई टू, ए कितना है 60 बाई टू 30, ठीक है। म्यू निकालना है साइन 30 1 बाई टू 2 ऊपर म्यू की वैल्यू कितनी आ गई रूट 2, आंसर 30 डिग्री मिनिमम डेविएशन है रूट 2 म्यू है, 30 डिग्री मिनिमम डेविएशन है रूट 2 म्यू है, दैट इज आंसर, फिनिश, दैट इज द अप्रोच। अब सुनिए भी, अगर मिनिमम डेविएशन का आपसे पूछा है तो तुरंत आपने घर में क्या आना चाहिए, सबसे पहले डेल्टा मिनिमम बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस ए एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इस केस में ये आपको फिगर बनने में बना के दिखा दी, ठीक है। और जब आपका मिनिमम डेविएशन तो ये बात ध्यान रखिए क्या, एक तो भाई मिनिमम डेविएशन के दौरान ये जो एंगल इस ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो ये होती है इस प्रिज्म में, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये, ठीक है। ये जो नॉर्मल जब लाइट एंटर कर जाती है प्रिज्म में तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना आर ये, और जब ये दूसरे सरफेस जाती है दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है इस सरफेस के लिए, और ये क्या एंगल ऑफ इमरजेंस बाहर जा रहा है ई, ये भी आर, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अगली भी मिनिमम डेविएशन कंडीशन क्या है, ये लाइन और ये लाइन क्या होगी दूसरे के पैरेलल, मिनिमम डेविएशन पे जो सरफेस लाई जाती है ना प्रिज्म के अंदर से जो रेज आ गई है ये पैरेलल होगी बेस के, ये मिनिमम डेविएशन की खास बात है, ठीक है। अगली बात, ए बराबर होगा भाई किसके, आर प्लस आर के, यानी ए इज इक्वल टू टू आर,
ठीक है, ये फॉर्मूले तुरंत आपके दिमाग में पहले से सेट होने चाहिए, तो इसलिए प्रिज्म के फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आंसर तो आपका आ चुका है, थोड़ा और अगर आपको एक्सप्लेन करना कोई बात डायरेक्ट, देखिए स्नेल्स लॉ का डायरेक्ट यूज आपको बहुत सारी चीजें सिखा देता है। म्यू यहां पे लगा देंगे ना, स्नेल्स लॉ कैसे लगाया मैंने, स्नेल्स लॉ बाहर का मीडियम एयर होता है जनरली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हो जाएगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में साइन ऑफ एंगल, इस मीडियम का साइन ऑफ एंगल कितना, साइन ऑफ आई, आई कितना दे रखा है 45 इस सरफेस के ऊपर, बराबर हो किसके भाई, म्यू इंटू में साइन ऑफ आर, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिख रहा है ये एंगल आर के, तो क्या गई वैल्यू, म्यू इंटू साइन ऑफ आर किसके बराबर होगा मिनिमम डेविएशन के लिए, ए बाई में टू, कितना है ए 60 डिग्री, कितना गया भाई 30 डिग्री, साइन 30 कितना, तो 1/2 यहीं पे 1/2 आ गया, रूट टू आंसर, टक्कर दिया बनते हैं मेरा, दैट इज द वे। कैसे निकालते हैं क्वेश्चन के, अप्रोच कैसे करेंगे, तो ये दिमाग में अगर प्लानिंग, देखिए बहुत सारा सिलेबस हो जाता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, अब तुरंत ये चीजें टिक करनी बहुत मैटर करती है, तो आपका जो कंसेप्ट है ना आपके दिमाग में बिल्कुल प्योरली सेट होना चाहिए। इसलिए जो अपना हम जो थ्योरी पढ़ाते हैं क्या होता है उसके पीछे लॉजिक, कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट इसलिए तो पढ़ाए जाते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी टाइम पे वो सेट कर जाए आपके माइंड में, अगर ये आपको प्रैक्टिकली आता है तो। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को बड़ा धीमे धीमे निकाल के बताता हूँ ताकि आप इसके कंसेप्ट को समझ सकें। तो इन्होंने हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दे रखा है 45 डिग्री प्रिज्म की एक सरफेस के ऊपर, ये ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल खींचा आई बना दिया प्रिज्म की एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, ये आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले पॉइंट इस सरफेस के ऊपर, ठीक। अब मुझे अगर म्यू चाहिए प्रिज्म का, तो भाई स्नेल्स फॉर्मूला लगा के इस पॉइंट पे, इस सरफेस के इस पॉइंट पे मैं आसानी से म्यू निकाल सकता हूं, बस मेरे पास क्या होना चाहिए स्नेल्स फॉर्मूला लगाने के लिए, देखिए पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर एयर ही मान के चलते, नहीं दिया हुआ है तो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है स्नेल्स फॉर्मूला, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। आप एक्चुअली एक सरफेस पे, अगर एक सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आप समझ सकते हो पहला एंगल ये इस ये एंगल जिस मीडियम में बन रहा है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा एंगल साइन इनटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में एंगल बन रहा है, यही स्नेल्स लॉ है, यानी पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन ऑफ एंगल, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन ऑफ एंगल, लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए, म्यू वन की वैल्यू वन दे रखी है, एयर है तो साइन आई दे रखा है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, मैंने 45 वैल्यू रख दी इसकी, यहाँ म्यू प्रिज्म का म्यू आपको निकालना है, साइन आर, अब साइन आर के लिए भी मुझे पता है मिनिमम डेविएशन पे आपका जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ये 2r के बराबर होता है, इस रिफ्लेक्शन के 2r के बराबर, डबल ऑफ दिस r, तो a बाई 2 किसकी वैल्यू आ जाएगी r की, a कितना है 60 डिग्री, 2 करें कितना आ जाएगा भाई 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, ठीक है, रखी वैल्यू 1/2 इसके मल्टीप्लाई किया यहां पे चला गया कितना 2/√2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में आ गया, जब नहीं दिया हुआ किसी के तो एयर के रिस्पेक्ट में होता है, सीधा म्यू ऑफ प्रिज्म समझ लेंगे कितना आएगा, रूट टू से काटे कितना बन गया रूट टू, तो म्यू ऑफ प्रिज्म कितना आ गया भाई रूट टू, ठीक है। तो मुझे एक तो बताना है इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा क्या बताना है मिनिमम डेविएशन, दूसरा जब मिनिमम डेविएशन होता है तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला मुझे पता है डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, एक और एक्चुअल में 2i-a क्योंकि आई और ई इक्वल हो जाएंगे, अब देख लीजिए भाई 2 × में आई एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री माइनस ए कितना है 60 डिग्री, तो आपका कितना आ गया एंगल ऑफ डेविएशन 30। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का वे था आपको प्रिज्म का कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए दो मीडियम के लिए, और आपको साइन ऑफ एंगल की वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे यहां पे मुझे पता चल गया साइन 45 डिग्री किसके बराबर होगा भाई 1/√2 के, और साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2 के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने भी आज का हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया,
और ये हालांकि ये वाला क्वेश्चन भी नीट के अंदर पहले से आ चुका है, ठीक है। अब हम इस चैनल के ऊपर लगातार एक ही क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे स्पेसिफिकली जो नीट के अंदर आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता।